अपो ना तीर बिना अले ती दुश्मन ते अपो कुताई चा बजर पे मार बनो चाना कुताई चा बजर पे मार बनो चाना ना तीर बिना अले ती दुश्मन ते अपो ना तीर बिना अले ती दुश्मन ते अपो रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं अपने थरपारकर के अवाम के साथ हूं, अपने छाछरों के अवाम के साथ हूं। इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, मगर थरपारकर के अवाम ने, छाछरों के अवाम ने आज से अपना फैसला सुना दिया है। ये हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आपके साथ जो रिश्ता है, ये कोई सियासी रिश्ता नहीं, ये मोहब्बत का रिश्ता है। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, इंशाल्लाह ताला जिंदगी भर हम साथ रहेंगे। साथियों, एक शख्स अपने आप को इस मुल्क पे चौथी बार वजीर आजम मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, और वो शख्स इतना गलत बयानी कर रहा है। क्या आपको मालूम है कि वो शख्स कहता है कि थरकोल का मंसूबा उसने करवाया। मैं छाछरों के आवाम से पूछता हूं, थरपारकर के आवाम से पूछता हूं कि थरकोल का मंसूबा किसने दिया? आवाज नहीं आ रहा। थरकोल का मंसूबा किसने दिया? लाहौर तक ये आवाज पहुंचना चाहिए, लाहौर तक ये आवाज पहुंचना चाहिए। किसने थरकोल का मंसूबा दिया? इतना गलत बयानी। अगर थरकोल का मंसूबा मियां साहब का होता तो मैं आज आपके सामने नहीं, मियां साहब इस थरपारकर में आके जलसा कर रहे होते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहां के अवाम के लिए मुआशी फायदा पहुंचाने के लिए, रोजगार के मौके फराहम करने के लिए ये मंसूबा शुरू किया था। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद इस मंसूबे में मजीद काम होगा। हम इंशाल्लाह ताला थरपारकर से कराची तक
ट्रेन का बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला, ट्रेन का बंदोबस्त करेंगे, ताकि ना सिर्फ आपका माल, ना सिर्फ आपका कोयला कराची पहुंच सके, मगर यहां के अवाम कराची पहुंच सके और कराची के अवाम ज्यादा आसानी के साथ यहां पहुंच सके। पहले हमने आपके लिए सड़कें बना के दी, फिर हमने तारीख में पहली बार इस्लामकोट में एयरपोर्ट बना के दिया। इंशाल्लाह ताला अगली बार जो है वो ट्रेन का सफर आप करेंगे कराची। मुझे बताया गया है कि करोंजर के तरफ ये शेर वाले देख रहे हैं, वो समझते हैं कि उनका हुकूमत बनेगा तो वो मेरा करोंजर आपका करोंजर पे तोड़-फोड़ करके आपका ग्रेनाइट को, आपका पत्थर को वो भेजेंगे। इनको ये मालूम होना चाहिए कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज भी मौजूद है। अगर वो मेरे करूंजर तक हाथ फराते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं और आप मिलके वो हाथ काटेंगे। ये आपका असासा है, इंशाल्लाह ताला हम इसका तहफ्फुज करेंगे, और अगर किसी को कारोबार करने का हक है तो मेरे थर के आवाम को वो हक है। साथियों, ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, मैं इस मुल्क का वाहिद सियासतदान हूं जो पाकिस्तान के अवाम की तरफ देख रहा हूं, जो पाकिस्तान के अवाम से उनसे उनका वोट मांग रहा हूं। दूसरे इधर उधर देख रहे होंगे, मगर मेरे पास और कोई नहीं है, सिर्फ आप मेरे साथ खड़े हो। आप मेरे साथ खड़े हो और इस जोश और जज्बे के साथ, जिस तादाद के साथ आप आज यहां मौजूद हो, अगर 8 फरवरी को आप इसी जोश और जज्बे के साथ, इसी जोश और जज्बे के साथ बाहर निकले और तीर पर मोड़ लगाए तो दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मियां साहब का एक कोशिश रहा है कि जैसे सिंध में पिछले इलेक्शंस हुए, वैसे उनके लिए इस दफा काम करवाया जाए, और यहां भी मियां साहब का एक कोशिश है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान पे मुसलत हो, मगर उनका कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे ताकि वो आपके हक पे डाका मार सके, आपके वसाइल पे डाका मार सके, आपके हकूक पे डाका मार सके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस सिंध धरती के अवाम हमारे साथ खड़े हैं, वो कोई ऐसा साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम इंशाल्लाह ताला, वैसे बारिश शुरू हो रहा है, 8 फरवरी को तीरों का बारिश होगा, तीरों का बारिश। मैं मुल्क भर जा रहा हूं और पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को यह बता रहा हूं कि हमें आपका मिसाइल का एहसास है। हम समझते हैं
कि इस वक्त तीन सबसे बड़े मसले हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, एक महंगाई, दूसरा गुर्बत और तीसरा बेरोजगारी। और मैंने अपने हाथों से यह अवामी मुआशी मुआयदा तैयार किया है। यह 10 नुकाती एजेंडा है, इसको आप उर्दू में पढ़ सकते हो, सिंधी में पढ़ सकते हो, सराइकी में पढ़ सकते हो, बलोची में पढ़ सकते हो, हमने तो पश्तून में भी इसको ट्रांसलेट किया है। आप खुद ये जो हमारा 10 नुकाती एजेंडा है, ये आप अपने साथियों किसके बारे में बताएं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी का वादा है कि अगर मुझे वफाकी हुकूमत मिलता है तो मेरा पहला वादा पाकिस्तान के अवाम के साथ ये है कि मैं उनका आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करूंगा मगर इंशाल्लाह ताला इसको दुगनी करके दिखाऊंगा। मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए इंशाल्लाह ताला 30 लाख घर बना के दूंगा, पक्का घर बना के दूंगा, और उस घर में रहने वाले ख्वातीन को मैं मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। ये काम मैंने सैलाब मुतासरीन के लिए यहां सिंध में शुरू किया है। हम 20 लाख घर बना रहे थे, अब ये इंटरम हुकूमत वाले आए हैं, वो मेरा मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, 9-10 फरवरी तक हम फिर से ये 20 लाख घर बनाना का जो हमने शुरू किया था वो मंसूबा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और वहां भी मैं सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हकूक दिलवा रहा हूं, उस घर के खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवा रहा हूं। अगर वो जमीन रियासत का जमीन है तो फिर हमारे लिए आसान है, हम उसको आपको दिलवाएंगे। अगर वो जमीन किसी बराबर वडेरा का भी जमीन हो, मैं इस वडेरा से वो जमीन छीन के आपको दिलवाऊंगा। मेरे सिंध के अवाम के मेरे खवातीन को मैं मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। तीसरा वादा, अगर मुझे वफाकी हुकूमत मिला तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू दिलवाऊंगा। मैं आपके यहां यहां थरपारकर में एक बड़ा सा ग्रीन एनर्जी पार्क बनाऊंगा और हम सोलर के थ्रू इंशाल्लाह ताला उस एनर्जी पार्क के थ्रू ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन के थ्रू कम कीमत पे बिजली आवाम को पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आप थरपारकर के खवातीन को बताएं कि मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही मगर मैं इस सूबे इस मुल्क के खवातीन का वैसे खिदमत करना चाह रहा हूं जैसे एक बेटा अपनी मां की खिदमत करता है। मैं इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा मगर मैं उन्हीं खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो कारोबार कर सके, वो अपना घर का ख्याल रख सके, वो हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके। हम और भी है, अगर हमें वफाकी हुकूमत में मौका मिला तो आप सिंध के हारियों को बताएं कि मैं इंशाल्लाह ताला बेनजीर हारी कार्ड बना के दूंगा और उनके जेब में माली मदद पहुंचाऊंगा। आप हमारे मजदूर भाइयों को बताएं, मजदूर बहनों को भी बताएं कि इंशाल्लाह ताला मजदूरी करने वालों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए मैं उनको मेहनत का सिला दिलवाऊंगा, मैं बेनजीर मजदूर कार्ड दिलवाऊंगा, उनको भी माली मदद इंशाल्लाह ताला हम पहुंचाएंगे। जो इस मुल्क के नौजवान हैं, जो थरपारकर के नौजवान हैं,
बुलफर के जो नौजवान हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं, खास तौर पे वो जो डिजर्विंग है, जो हकदार है, जो मुश्किल में है, कि वो नौजवान जो रोजगार की तलाश में है मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा, मैं उनके लिए इंशाअल्लाह ताला बेनजीर यूथ कार्ड लेके दूंगा, ताकि जब तक वो रोजगार की तलाश में है तब तक मैं बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू उनको माली मदद पहुंचाऊंगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां मैंने अभी तक मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल NICVD की तर्ज पे, SIUT की तर्ज पे, JPMC की तर्ज पे, जो मैंने अभी तक जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मैं नहीं बना सका, इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद वहां भी बनेगा। मुझे मालूम है कि मिट्टी में हमने बनाया है, छाछरो रहता है, नगर पाकर रहता है, इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप तक भी ये सहूलत पहुंचेगा। आखिरी बात, इंशाअल्लाह ताला हम भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। हम इस भूख मिटाओ प्रोग्राम से गुर्बत का मुकाबला करेंगे, भूख का मुकाबला करेंगे। और जो तालीमी इदारे हैं, जो स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जहां बच्चे जाते हैं, वहां मैं उनका खाना का बंदोबस्त करूंगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं, वो सियासत नहीं जाती दुश्मनी की हद तक सियासत को लेके गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखती। मैं पाकिस्तान के अवाम से, आप सब से अपील करता हूं कि आए अब तीर पर मोड़ लगाए, चुनो एक नई सोच को, चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा के लिए ये नफरत की सियासत, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, वफाक का नुकसान हो रहा है, मैं ये नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। रही बात कि यहां जो मियां साहब के साथी है, जो मियां साहब के सहूलतकार है, वो सिंध भर में सितारा पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो मियां साहब चारदार वजीरे आजम रहा, मगर इसलिए कि उसने कभी सिंध पे ध्यान नहीं दी, सभी कभी सिंध में काम नहीं किया, तो आज वो उस पोजीशन में है नहीं कि वो किसी को कहे कि मेरा शेर पे इलेक्शन लड़े। उनको ये सितारे वाले ढूंढने पड़ते हैं और उनके उनको इलेक्शन में लड़वाते हैं। ये वो लोग हैं जो लाहौर का खिदमत करेंगे, आपका वोट लेके रायबंद का खिदमत करेंगे, आपने इनको भी शिकस्त दिलवाना है। सितारे जो हैं वो मुझे सिर्फ रात को अच्छे लगते हैं, दिन में अच्छे नहीं लगते भाई। बाकी मुल्क भर में आजकल इंडिपेंडेंट का शोशा भी है, आपने अपने साथियों को समझाना है कि लड़ाई तो अब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का दरमियान है। अगर आपने इस शेर का रास्ता रोकना है, अगर आप चाहते हो कि हम चौथी बार वाला साजिश नाकाम करवा दे, तो एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे मोर लगाए। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद इस तीर से उस शेर का शिकार अपने हाथों से करवाऊंगा।
आपने, मैंने 8 फरवरी को जो उम्मीदवार है, जैसे कासिम साहब है, सब जो यहां खड़े हैं, रेमो साहब जो यहां खड़े हैं, सब के सब, मैं अभी 1-2 मिनट बाद आपसे उनके लिए वोट मांगूंगा, मगर इससे पहले मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि अरबाब साहब, पीर साहब, महेश साहब, आप भी जरा अपना हाथ उठा के मेरे चाचरों के अवाम के सामने, मेरे थरपारकर के अवाम के सामने एक वादा करें कि अगर 8 फरवरी को ये लोग निकलते हैं, आपको वोट डालते हैं, अगर आज से लेके 8 फरवरी तक आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए वोट मांगते हैं, तो आपने 8 फरवरी के बाद इनकी खिदमत करनी है, इनके दुख दर्द में मौजूद होना है, इनका काम करना है, किसी और का काम नहीं करना है। अगर रोजगार के मौके होंगे तो आप मेरे चाचरों के अवाम को, मेरे थरपारकर के अवाम को वो रोजगार दिलवाएंगे, अपने किसी रिश्तेदार को तो, अपने किसी साथी को नहीं, मेरे अवाम को। वादा, पूरा वादा, पक्का वादा, कच्चा नहीं, पक्का वादा। देखे साथियों, इन सब ने वादा किया है। अब आपसे मेरा एक दरख्वास्त है, आपका भाई आपके पास आया है आपका वोट मांगने के लिए, मुझसे वादा करे, हाथ खड़ा करके वादा करे, वादा करे कि 8 फरवरी को, 8 फरवरी को थप्पे पे थप्पा, थप्पे पे थप्पा। आखिरी बात, ताकि सब जो सुन रहे हैं वो सुन लें कि यहां के अवाम कोई और सियासी जमात नहीं जानते, यहां के अवाम कोई और सियासतदान नहीं जानते, अगर वो जानते हैं तो वो शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जानते हैं। यहां के अवाम का नारा है कि ना अमीर जो, ना पीर जो, फैसलो जमीर जो, वोट सिर्फ तीर जो, वोट बेनजीर जो, ना अमीर जो, ना पीर जो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, मैंने आगे आए मीरपुर खास पहुंचना है, आप सब से मैं इजाजत मांगता हूं, इजाजत है। नारे भुट्टो अल्लाह हाफिज।